जय श्री कृष्णा। क्या आप जानते हैं बच्चों के लिए पढ़ने का सबसे उचित समय कौन सा होता है? बच्चों की पढ़ाई का सबसे ज़्यादा संबंध होता है सूर्य से, मस्तिष्क से, कॉन्सेंट्रेशन लेवल से, और बच्चों की पढ़ाई उन्हें समझ आए, वो अपनी पढ़ाई के साथ पूरी तरह मन लगा पाए, इसके लिए कौन सा समय बेस्ट होता है? सुबह 3 बजे से लेकर 6 बजे तक सूर्य जो होता है वो उत्तर पूर्व में होता है। इस वक्त पर अगर बच्चा पढ़ाई करता है तो उसे वो पढ़ाई समझ में आती है और उसका कॉन्सेंट्रेशन लेवल अप होता है। साथ ही साथ में ये समय बेस्ट होता है चिंतन के लिए, अध्ययन के लिए, नई नई चीज़ों पर रिसर्च करने के लिए। ये समय सबसे ज़्यादा उपयुक्त होता है किसी भी चीज़ को अपने अंदर समाहित करने के लिए। इसी तरह दिन में अगर आप 3 बजे से लेकर 5 बजे तक के बीच में पढ़ाई करते हैं तो ये समय अध्ययन के लिए सबसे उचित माना जाता है, क्योंकि इस समय आपका सूर्य दक्षिण पश्चिम में होता है और ये वो समय होता है जब हमारा माइंड एकदम खुला हुआ होता है। ये वो समय होता है जब हम इसके अंदर जो भी समाहित करेंगे, जो भी हम पढ़ेंगे, जो भी हम याद करेंगे, वो हमारी मेमोरीज में छप जाएगा। बच्चों के लिए एक छोटी सी सहायता करी है मैंने उनके एग्ज़ाम्स में पास होने के लिए और अच्छे नंबर लाने के लिए। कोशिश करिए कि ये दो समय आप अपनी पढ़ाई को ज़्यादा से ज़्यादा करें। राहु को एक्टिव करने की ज़रूरत नहीं है, इसलिए रात्रि में पढ़ाई करना थोड़ा सा बंद कर दीजिए। ये 3 घंटे सुबह और ये 3 घंटे शाम को अगर आपने पढ़ाई कर ली तो आप मान के चलिए आपको बहुत अच्छे मार्क्स भी मिलेंगे और आपकी ज़िंदगी भी बहुत अच्छे स्तर पर चली जाएगी। करके देखिएगा बच्चों, इससे जो भी आपके जीवन में परिवर्तन आए हमें ज़रूर बताइएगा। मैं फिर आऊँगी कुछ नया, कुछ अलग, कुछ अद्भुत लेकर। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।